अनोखी चोरियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन सबसे शातिर हाईजैकिंग मुश्किल ही सुनी होगी। ये एक ऐसी हाईजैकिंग थी जो आज तक अनसोल्व्ड रही। यहां तक कि एफबीआई को आम जनता से मदद लेनी पड़ी, तब भी वो इस हाईजैकर को पकड़ नहीं पाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी शातिर हाईजैकर के बारे में। डीबी कूपर, अमेरिका के इतिहास का सबसे शातिर हाईजैकर, कैसे एक ही शख्स ने पूरे प्लेन की हाईजैकिंग को अंजाम दिया। इसके लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। साल था वो लगभग 1971, नवंबर का महीना और 24 तारीख। एक व्यक्ति जो कि सनग्लासेस से अपनी नजरों को छुपाते हुए एक ब्लैक सूट पहने हुए आता है, अपने साथ एक बड़ा सा ब्रीफकेस लेके। दिखने में तो वो एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन था, पर किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि वो कोई बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्ट लाइन की एक प्लेन को हाईजैक करने के इरादे से पोर्टलैंड एयरपोर्ट के टिकट काउंटर से सिएटल वॉशिंगटन की टिकट खरीदता है और फिर वो नॉर्थ वेस्ट लाइन की सिएटल फ्लाइट में बोर्ड इन भी कर लेता है। 1970 के जमाने में अमेरिकन डोमेस्टिक फ्लाइट में कोई चेकिंग या फिर वेरिफिकेशन नहीं होती थी। उस समय में आईडी भी चेक नहीं करते थे और बैगेज और या फिर लगेज के बारे में तो आप भूल ही जाए। और ये सब चीजों की जानकारी डीबी कूपर अपने साथ लेके प्लेन में सवार था और जिसका वो फायदा उठाने वाला था। कूपर अपनी पसंदीदा जगह यानी कि आखिरी सीट पर जाके बैठ गया। वहां पे वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, साथ ही में उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया क्योंकि उस वक्त तक प्लेन के अंदर सिगरेट पीना अलाउड था। फ्लाइट की थोड़ी देर बाद कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर एक नोट थमा दिया और उस फ्लाइट अटेंडेंट का नाम था फ्लोरेंस। फिर कूपर ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को उस नोट को पढ़ने के लिए बोला। उस नोट में कुछ ऐसा लिखा था जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उस नोट में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब विद मी एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय माय साइड एंड टॉक अबाउट इट। फ्लोरेंस ने तब अपनी साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट टीना को बुलाया और वो कूपर के पास पहुंची। फिर कूपर ने उन्हें ब्रीफ केस में खोल कर दिखाया कि उसके पास 8 डायनामाइट स्टिक और एक डेटोनेटर था जो कि पूरे प्लेन को बॉम्ब के धमाके से उड़ाने के लिए सक्षम था। फिर कूपर ने उन्हें कहा कि अगर मेरी बातें पूरी नहीं हुई तो वो इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा और पूरा प्लेन पैसेंजर के साथ खत्म हो जाएगा। फिर टीना ने इस बात को समझते हुए प्लेन के पायलट तक पहुंचाया और नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस और एफबीआई दोनों को ही इन्फॉर्म कर दिया गया इस घटना को लेके। और इस वक्त तक प्लेन हाईजैक हो चुका था और फिर कूपर ने अपनी सारी शर्तें उन फ्लाइट अटेंडेंट्स के सामने पेश की। सबसे पहली शर्त कि उसे $2,00,000 चाहिए थे, दूसरी शर्त 4 पैराशूट की रिक्वायरमेंट थी उसकी, और तीसरी शर्त एक रिफ्यूलिंग ट्रक सिएटल एयरपोर्ट पे। इन शर्तों को आगे पायलट तक पहुंचा दिया गया, फिर पायलट ने इन सभी शर्तों को एफबीआई तक पहुंचा दिया। और उस वक्त तक हाईजैकिंग को लेके कोई भी नियम या फिर कानून मौजूद नहीं थे, तो सारी शर्तों को मानते हुए एफबीआई ने मंजूरी दे दी। फिर एफबीआई एजेंट्स ने सिएटल बैंक में जाकर $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए और उन्हें एक बैग में रख लिया, पर बैग में रखने से पहले उन सभी नोट्स के सीरियल नंबर को नोट कर लिया गया था और उस बैग को जल्दी से पोर्टलैंड एयरपोर्ट तक लाया गया। शाम के 5:45 पर प्लेन को लैंड कराया गया और जैसे ही प्लेन लैंड हुआ तो डैन कूपर को उसकी शर्त के मुताबिक डॉलर से भरा हुआ बैग थमा दिया गया था, साथ ही में पैराशूट भी दे दिए गए थे और उसकी शर्त के मुताबिक प्लेन को रिफ्यूल भी करा दिया गया था। उसके बाद प्लेन में बैठे सभी 35 पैसेंजर के साथ साथ 2 फ्लाइट अटेंडेंट को जाने की मंजूरी भी दे दी, पर अभी भी कूपर की निगरानी में पायलट्स और साथ में 2 फ्लाइट अटेंडेंट और भी मौजूद थे। फिर से प्लेन ने उड़ान ली और वो आसमान में मंडराने लगा। कूपर ने टीना के जरिए पायलट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जिसमें से पहली शर्त थी कि प्लेन की हाइट जो है वो 10,000 फीट तक हो, फ्लैप्स ओपन हो और प्लेन की स्पीड जो है वो लगभग 320 किलोमीटर पर आवर की हो, लैंडिंग गियर्स ऑन हो और उसे डायरेक्ट मेक्सिको सिटी तक रवाना किया जाए। पायलट ने समझदारी के साथ सारी शर्तों को मंजूर कर लिया, पर उसमें से एक शर्त नामुमकिन थी क्योंकि जहाज को लगभग 3200 किलोमीटर दूर स्थित मेक्सिको सिटी जाने तक का फ्यूल उस प्लेन में स्टोर नहीं हो सकता था। पायलट ने कूपर को बताया कि उन्हें पास के 2 ऑप्शन में ही रिफ्यूल करवाया जा सकता था, रेनो और फिनिक्स।
कूपर ने रैनो के लिए रजामंदी दे दी और पीछे से FBI और लोकल अथॉरिटीज अपना काम बखूबी कर रही थी और FBI ने दो फाइटर जेट्स को हाईजैक प्लेन को फॉलो करने के लिए भेजा, पर वो दो फाइटर प्लेन इतनी धीमी स्पीड पर चल नहीं पा रहे थे। इसी वजह से वो दो फाइटर प्लेन हाईजैक प्लेन के आसपास घूमते जा रहे थे। रात और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। फिर कूपर ने टीना को कॉकपिट में जाने को कहा। कॉकपिट में पहले से ही दो पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थे और फिर टीना ने पीछे मुड़ के देखा तो वो आज तक किसी इंसान ने DB कूपर को आखिरी बार देखा था। और उस वक्त तक कूपर ने पैराशूट पहन लिए थे और वो अपने साथ डॉलर से भरा बैग लेके प्लेन की लैंडिंग स्टेज पर गया और वहां से सीधा छलांग लगा दी। उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ 50 सालों से ये घटना एक रहस्य बनकर रह गया। जब 3 घंटों के बाद प्लेन ने रैनो में लैंड किया तो प्लेन की तलाशी ली गई, पर ऑफिशियल्स को ना ही कूपर मिला और ना ही कोई बॉम्ब मिला। और इस घटना के बाद कूपर अभी तक ना जिंदा मिल पाया और ना ही मुर्दा। प्लेन के लैंड होने के बाद FBI ने पूरे प्लेन की तलाशी करते हुए सिर्फ 8 सिगरेट बट्स, 1 पैराशूट और कूपर की ब्लैक टाई रिकवर कर पाए जो कि उन्हें प्लेन से मिली थी। उस वक्त तक वेरिफिकेशन और CCTV की मौजूदगी के बगैर कूपर की कोई भी फोटोग्राफ रिकवर नहीं हो पाई थी। जितने भी फ्लाइट अटेंडेंट्स और को पैसेंजर मौजूद थे उन सभी की मदद से कूपर का एक स्केच बन पाया। FBI को एक चीज की आसानी जरूर हुई थी और वो थी कूपर की लैंडिंग लोकेशन, क्योंकि जब प्लेन हाईजैक था तब प्लेन के पायलट्स ने उस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे ऑन किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि रैनो से लेके सिएटल तक का पूरा सफर रिकॉर्डेड था और फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से पता लगाया गया कि 8:10 पर प्लेन की लैंडिंग स्टेज को खोला गया था। सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर एक सर्च लोकेशन डिसाइड की गई और ये एरिया पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था और दूर दूर तक इंसान की जाति का कोई नाम और निशान नहीं था। उसी सर्च एरिया में कूपर की तलाश के लिए एरियल और लैंड सर्च टीम ने पूरे लैंडिंग लोकेशन की अच्छे से छानबीन भी की। उस विशाल 45 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एरियल टीम और लैंड टीम सर्च दोनों ने अच्छे से तलाशी की, पर कुछ नहीं मिल सका। और दोस्तों एक खास बात, घटना के समय पर उस एरिया में बहुत ठंड और बर्फ भी थी, तो सभी ने यही सोचा कि कूपर अभी तक मर गया होगा। FBI अब पूरी तरह से हताश थी और फिर कूपर से मिली हर जानकारी को पब्लिक कर दिया गया। उसके हुलिये से लेके रैंसम के नोट्स की डिटेल्स भी सारी की सारी जानकारी को पब्लिक कर दिया गया और FBI ने आम जनता से मदद मांगी कि वो उन्हें कूपर को पकड़ने में सहायता करें। अगर कूपर उन पैसों को खर्च करना भी चाहता तो कम से कम FBI को उस जगह के बारे में पता लग जाता, क्योंकि जो कूपर को नोट दिए गए थे उनके सीरियल नंबर को पहले से ही नोट कर लिया गया था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, आने वाले समय में कूपर की कुछ निशानियां मिलनी बाकी थी। सीधा 9 साल बाद सदर्न वॉशिंगटन के आसपास टीना बार बीच नामक एक बीच पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसे बीच की रेत में कुछ दबा हुआ मिला। वो चीज दिखने में तो नोटों की गड्डी जैसी दिख रही थी और उस बच्चे ने फिर वो चीज अपने पेरेंट्स को दिखाई तो उन्होंने पाया कि $20 की 3 गड्डियां थी जो कि मिलाकर $5,800 बने नजर आ रहे थे। और ये सभी नोट्स लेकर वो पेरेंट्स ने FBI को इन्फॉर्म भी किया और उन नोट्स के सीरियल नंबर को कूपर के दिए गए नोट्स से मैच किया गया। तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये वही नोट्स थे जो कूपर को दिए गए थे। ये 9 सालों में कूपर केस में प्रोग्रेस हुई थी, पर प्रोग्रेस से ज़्यादा अपने साथ ये कन्फ्यूजन लेके आई थी, क्योंकि जो पेरेंट्स को नोट बरामद हुए थे वो ड्रॉप लोकेशन से लगभग 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। हाईजैकिंग की घटना के 3 साल बाद टीना बार बीच पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ था। उसमें रेत का बहुत ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल भी किया गया था, तो ये माना जाता है कि कूपर या फिर उसके साथी ने उस रेत के अंदर ये नोट्स दबा दिए थे ताकि वो FBI को चकमा दे सके। और ठीक वैसा ही हुआ, नोट्स तो मिले पर कूपर से जुड़ी कोई और लीड नहीं देखने को मिली। बाकी के बचे हुए 9,710 नोट आज तक नहीं मिल पाए और जो पैराशूट कूपर अपने साथ लेके कूदा था वो मिलिट्री ग्रेड का पैराशूट था और इससे एक बात का अंदाजा ये भी निकल कर आता है कि कूपर शायद से एक एक्स डिफेंस ऑफिसर था, क्योंकि जो पैराशूट प्लेन में छोड़ के गया था उससे ज्यादा मुश्किल ऑपरेट करने वाला पैराशूट वो अपने साथ ही लेके गया था। बस आज तक कूपर से जुड़ी हुई 3 चीजें ही मिल पाई: नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की टिकट जिस पर कूपर ने अपना नाम खुद लिखा था,
उसकी ब्लैक टाई और उस पर लगी पिन जो कि लेफ्ट साइड में लगी हुई थी, जो कि दर्शाती है कि कूपर एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन था। कैबिन क्रू और को पैसेंजर की मदद से बनाया गया स्केच। 50 सालों से आज तक ये केस FBI के लिए एक रहस्य बनके रह चुका है और इस केस से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको FBI की वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि आपको ये रहस्यमय हाईजैकिंग की कहानी पसंद आई होगी और ऐसी रहस्यमय चीज़ों और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको एक और अनोखी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।